गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवड़, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय अंग्रेजी में, देखिए लेशन है द किंगडम ऑफ प्लांट्स अर्थात वनस्पतियों का साम्राज्य। इस पाठ का वाचन और लेखन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी, अर्थात ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ो। लेट अस टेक अ ट्रिप टू द किंगडम ऑफ प्लांट्स। व्हाट ए ग्रेट वैरायटी, देयर आर thousands and thousands of different types of plants here. Let us take a trip to the kingdom of plants. अर्थात चलो हम वनस्पति के साम्राज्य का एक चक्कर लगाते हैं। Let us take a trip to the kingdom of plants. What a great variety! What a great variety, अर्थात कितनी आश्चर्यजनक विविधता है। Great variety अर्थात विविधता। There are thousands and thousands of different types of plants here, अर्थात यहाँ हजारों हजार प्रकार की वनस्पतियां हैं। See the pictures inside the water. This is moss. It is soft. It looks like a bright green carpet. This is moss. This is moss. Moss अर्थात शैवार। यह क्या है? शैवार है, पानी के अंदर जो शैवार होती है हरे कलर की, तो इसे मॉस कहते हैं। MOSS, मॉस, मॉस अर्थात शैवार। दिस इज मॉस, यह शैवार है। इट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट अर्थात मुलायम या नरम, यह नरम है। इट लुक्स लाइक अ ब्राइट ग्रीन कार्पेट, यह एक हरे गलीचे जैसे दिखाई दिखती है। कारपेट अर्थात गलीचा होता है या कालीन जिसे कहते हैं। यह एक हरे गलीचे जैसी दिखती है। इट लुक्स लाइक अ ब्राइट ग्रीन कारपेट। लुक एट द ग्रास, दिस टू इज सॉफ्ट ग्रीन एंड सॉर्ट, बट डू यू नो राइस व्हीट एंड ज्वार are also types of grass. They give us grain. Look at the grass अर्थात इस घास की तरफ देखो। This too अर्थात यह भी is soft, green and short. यह भी नरम, हरी और छोटी है। But do you know? किंतु क्या तुम्हें पता है कि राइस अर्थात चावल, गेहूं, व्हीट अर्थात गेहूं तथा ज्वार भी एक घास की एक प्रकार है, घास का ही एक प्रकार है। दे गिव अस ग्रेन, वे हमें अनाज देते हैं। लुक एट द ग्रास, घासों को देखना है। GRASS, ग्रास, ग्रास अर्थात घास। लुक एट द ग्रास, दिस टू इज सॉफ्ट ग्रीन एंड सॉर्ट, अर्थात बट डू यू नो राइस व्हीट एंड ज्वार आर आल्सो टाइप ऑफ ग्रास, दे गिव अस अ ग्रेन, अर्थात इस घास की तरफ देखो, यह भी नरम और छोटी है। किंतु
क्या तुम्हें पता है कि चावल, गेहूं और ज्वार भी घास के ही एक प्रकार हैं? वे हमें अनाज देते हैं। दे गिव अस अ ग्रेन, वे हमें अनाज देते हैं। दिस प्लांट्स हैज अ थिन स्टेम एंड सो मेनी लीव्स, इट इज अ हर्ब। दिस प्लांट्स अर्थात दिस प्लांट हैज अ थिन स्टेम एंड सो मेनी लीव्स, अर्थात इस वनस्पति में एक बारीक तना तथा अनेक पत्तियां होते हैं। ये जो हर्ब, इट इज हर्ब, हर्ब आने ये CRB, हर्ब अर्थात यह औषधि वनस्पति है, इसको हर्ब कहते हैं। यह एक औषधि वनस्पति है। देखिए पुदीने की तरह दिख रहा है, इसका चित्र पुदीने के पत्ते की तरह है। तो दिस प्लांट हैज अ थिन स्टेम, यानी पतला तना है, एंड सो मेनी लीव्स, और इसमें बहुत सी पत्तियां हैं। इट इज ए हर्ब, यह एक औषधि वनस्पति है। दिस प्लांट हैज अ टफ स्टेम एंड सो मेनी ब्रांचेस, इट हैज मेनी लीव्स टू, इट इज अ बुश आर शार्प। दिस प्लांट हैज अ टफ स्टेम एंड सो मेनी ब्रांचेस, अर्थात इस वनस्पति का तना मजबूत होता है और इसमें अनेक शाखाएं होती हैं। इट इज मेनी लीव्स टू, अर्थात इसमें अनेक पत्तियां होती है। इट हैज मेनी लीव्स टू, अर्थात इसमें अनेक पत्तियां होती हैं। इट इज अ बुश आर श्रब, BUSH, बुश अर्थात झाड़ियां होती हैं। इट हैज मेनी लीव्स टू, इट इज अ ब्रश आर श्रब, यह झाड़ी अथवा छोटी झाड़ी इसे कहते हैं। इसका वाचन एक बार फिर से हम देखते हैं। दिस प्लांट हैज अ टफ स्टेम एंड सो मेनी ब्रांचेस, इट हैज मेनी लीव्स टू, इट इज अ बुश आर श्रब, एंड लुक एट दिस, व्हाट ए थिक ट्रंक, इट इज सो टॉल, इट्स अ ट्री, कैन यू क्लाइंब अ ट्री, एंड लुक एट दिस, अर्थात और इसकी ओर देखो, व्हाट ए थिक ट्रंक, ट्रंक अर्थात तना, व्हाट ए थिक ट्रंक अर्थात इसका तना जो है कितना मोटा तना है। इट इज सो टॉल, यह बहुत लंबा है। इट्स अ ट्री, यह पेड़ है। कैन यू क्लाइंब अ ट्री, यह क्या है, पेड़ है। क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो, कैन यू क्लाइंब अ ट्री, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। TRW, ट्री अर्थात वृक्ष या पेड़। एंड लुक एट दिस, व्हाट अ थिक ट्रंक, इट इज सो टॉल, इट्स अ ट्री, कैन यू क्लाइंब अ ट्री। व्हाट डू वी सी हियर, क्लाइंबिंग दिस ट्री, व्हाट डू वी सी हेयर, अर्थात व्हाट डू वी सी हियर, इस पेड़ पर चढ़ने के बाद हम क्या देख सकते हैं। व्हाट डू वी सी हियर, क्लाइंबिंग दिस ट्री, अर्थात इस पेड़ पर चढ़ने के बाद हम क्या देख सकते हैं। अ क्लाइंबर और अ वाइन, दिस प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट, इट्स अ क्लाइंबर अर्थात बेल है या लता है। इट्स अ क्लाइंबर और अ वाइन अर्थात यह लता अथवा बेल है। क्लाइंबर आने लता, वाइन अर्थात बेल होता है, जो पेड़ों पर ये चढ़ते हैं। दिस प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट, ये वनस्पतियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं।
बी वेरी केयरफुल विथ दिस प्लांट, बी वेरी केयरफुल विथ दिस प्लांट, अर्थात इस वनस्पति से बहुत सावधान रहो। बी वेरी केयरफुल विथ दिस प्लांट, अर्थात इस वनस्पति से बहुत सावधान रहो। इट्स अ कैक्टस, इट्स अ कैक्टस, इट हैज मेनी थ्रोन, द थ्रोन कैन पिक यू। बी वेरी केयरफुल विथ दिस प्लांट्स, अर्थात इस वनस्पति से बहुत सावधान रहो। यह क्या है? नागफनी है, इसमें अनेक कांटे होते हैं। इट्स अ कैक्टस, इट हैज मेनी थ्रोन, यह नागफनी है, इसमें अनेक कांटे होते हैं। द थ्रोन कैन प्रिक यू, द थ्रोन कैन प्रिक यू, अर्थात ये कांटे तुम्हें चुभ सकते हैं। द थ्रोन कैन प्रिक यू, अर्थात एक कैक्टस के कांटे जो है आपको चुभ सकते हैं। द प्लांट किंगडम इज अ ब्यूटीफुल किंगडम, वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट्स। द प्लांट किंगडम इज अ ब्यूटीफुल किंगडम, अर्थात वनस्पतियों का राज्य एक सुंदर राज्य है, क्या तुम कोई वनस्पति उगाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट्स, क्या तुम कोई वनस्पति उगाना पसंद करोगे? इसका वाचन एक बार फिर से देखिए। इट्स अ क्लाइंबर और अ वाइन, दिस प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट, बी वेरी केयरफुल विथ दिस प्लांट, इट्स अ कैक्टस, इट हैज मेनी थ्रोन्स, द थ्रोन्स कैन प्रिक यू। द प्लांट किंगडम इज अ ब्यूटीफुल किंगडम, वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट्स। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से द किंगडम, इस पाठ का क्या करिए, आप वाचन करिए। द किंगडम ऑफ प्लांट्स, अर्थात वनस्पतियों का साम्राज्य, तो इस पाठ का आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद सभी।